सही शक करती हो तुम। मोहब्बत करती हूँ मैं मुर्तसिम से। हमेशा से करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और एक दिन तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। फिर मुर्तसिम मेरा होगा। खुदा की खुदाई देखी और क्या खूब देखी। तुम उसे मांग मांग के थक गए और वो उसे मेरी झोली में डाल गया। ना उसे मांगा ना उसे चाहा मैंने, और वो कहता है कि मुझे चाहता है। ये चाहत कुछ दिन की है क्योंकि कच्ची डोर से बंधी है। हासिल वो सिर्फ मेरा होगा। उसे खुद तो मैं छोड़ नहीं सकती, और जब तक वो मुझे नहीं छोड़ता तुम उसे अपना नहीं सकती। हया क्यों कर रही हो ये? मुझे तुमसे हमदर्दी होती है। तुम्हारी जैसी लड़कियां किसी मर्द के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं करती, अपनी कदरो कीमत अपनी इज्जत किसी के बारे में नहीं सोचती। चाहत में सब लुटा दिया जाता है, पर तुम क्या जानो चाहत के बारे में कुछ? फिर तुम्हारे हाथ क्या आया? तुम्हारा दामन तो अभी भी खाली है। अपना दामन मुर्तसिम से भरना चाहती हो ना, तो एड़ी चोटी का जोर लगा दो। मुझे उसकी जिंदगी से निकाल दो, मैं खुद तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन जब तक मैं उसकी जिंदगी में हूं उससे दूर रहो, वरना क्या कर लोगी तुम? मैं तो कुछ भी नहीं करती, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी शादी हो जाए, और शादी के बाद तो लड़की को अपने शौहर के घर जाना होता है ना। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? यहां कहते हैं ना, जिसकी उंगली में ये अंगूठी होती है वो घर की मालकिन होती है। सुहाया मैडम, कुछ हया करें और मुर्तसिम से दूर रहे। ये चमक कुछ दिन की है, मांद पड़ जाएगी, फिर इस अंगूठी की रोशनी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मेरी चमक मेरे वजूद से है, और जहां मीरप होती है वहां सिर्फ वही चमकती है।